सबसे पहले संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज का, स्वामी समंददास जी महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु समंददास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, आज के इस महान विराट सत्संग की। गुरु प्रेमियों, आप लोग सतगुरु महाराज स्वामी समंददास जी वर्तमान के सतगुरु, उनकी शरणागत आप बैठे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देश के कोने कोने से सतगुरु महाराज जी के अनुयायी और उनके सेवक भक्तगण गुरु महाराज जी का दीदार करके बड़े ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी की एक वाणी में भी, सतगुरु रविदास जी की एक वाणी है, गुरु रविदास जी ने फरमाया है, जो स्वामी समंददास जी महाराज इस जीव को उपदेश कर रहे हैं, इस जीव को उपदेश कर रहे हैं, वो गुरु रविदास जी का वही उपदेश, अगर ये प्राणी अपने हृदय के अंदर धारण कर ले, तो जिस मकसद से हम गुरु की शरण लेते हैं और सत्संग में आते हैं, तो वो मकसद इस जीव का जरूर पूरा होता है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने एक वाणी में फरमाया है, उन्होंने बताया है कि मैं, सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि मैं इस जो संसार के कार्यकलाप है, कर्मकांड है, मैं इनसे बहुत दूर हूं। तो उन्होंने इस वाणी को दर्शाया, इस वाणी में उस मार्ग को दर्शाया है, बताया किस तरीके से। गुरु आज भी तेरी आस है और कल भी तेरी आस, आशा तेरे नाम की गुरु छह ऋति बारह मास। तो किस तरीके से सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस प्राणी को, इस जीव को उपदेश और मार्ग दर्शन किया है, कैसे बताया है। रविदास जपे राम नामा, मोहे जम सुनाही कामा। ओ रविदास जपे राम नामा, मोहे जम सुनाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जम सुनाही कामा, मोहे जम सुनाही कामा, मोहे जम सुनाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जम सुनाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जम सुनाही कामा। सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं, बताते हैं कि मुझे यम से कभी काम नहीं पड़ा, जिस यम के चक्कर में ये प्राणी दुखी रहता है और अपनी वासनाओं पे अंकुश नहीं कसता, वो अपनी वासनाओं को यहाँ जमा देता है, इसलिए इस आवागमन के चक्कर में फंसता है जीव। तो सतगुरु रविदास जी कहते हैं, मोहे
रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाही कामा रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाही कामा मोहे जम सुनाही कामा मोहे जम सुनाही कामा रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाही कामा रविदास चप्पल काटे हैं जूती काटी है लेकिन सतगुरु रविदास नकारते हैं और कहते हैं कि मैंने पनिया नहीं मैंने इस इंसान में सत का टांका लगा करके सतगुरु से जोड़ दिया। ये जो फटा फिर रहा है ये हट रहा है जुदा हो रहा है इसलिए गुरु रविदास जी कहते हैं रविदास जपे राम नामा मोहे जब सुना ही कामा। जिसने जम से काम लिया है वो यही जम गया सतगुरु के देश में नहीं पहुंचा वो बेगमपुरे में नहीं पहुंचा वो बेगम देश में नहीं पहुंचा। तो किस तरीके से कहा मोहे जम सुनाई कामा और रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाई कामा मोहे जम सुनाई कामा मोहे जम सुनाई कामा रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाही कामा रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाही कामा। कोई काम पड़वा लेता है कोई जटा रमा लेता है कोई भभूति रमा लेता है तो कोई इंद्रियों में ताले भी डलवा लेता है लेकिन फिर भी वो देश उसको प्राप्त नहीं होया। किस तरीके से गुरु रविदास जी आखिरी कली में फरमाते हैं में सतगुरु रविदास जी महाराज ने बनारस के बाग में बनारस में गुरु के बाग में लाखों लोगों को इकट्ठा किया और वहां गंगा में जो बनारस की गंगा है वहां शूद्रों को स्नान भी कराया और उन्हें जल भी पिलवाया। ये कोई बात नहीं बताता ये सब सतगुरु रविदास जी की देन है सतगुरु रविदास जी का प्रकाश है। आज हम जाति विहीन समाज बना रहे हैं लेकिन सतगुरु रविदास जी ने
उस समय बना दिया था। उस समय जाति भीम क्योंकि जितने भी राजा महाराजा हर जाति के राजा महाराजा सतगुरु रविदास जी के चरणों में आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आपको बता दूं कि 28 जून से गुरु रविदास मंदिर हर की पौड़ी से चमार रेजिमेंट बहल पद यात्रा चलेगी और वो जो है 220 किलोमीटर की पद यात्रा लेकर के हरिद्वार से दिल्ली तक स्वामी समंदास जी महाराज उसका उद्घाटन करेंगे और वो चमार रेजिमेंट बहल की यात्रा है। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि वो रुड़की सबसे पहले संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज का स्वामी समंदास जी महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु समंदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, आज के इस महान विराट सत्संग की। गुरु प्रेमियों, आप लोग सतगुरु महाराज स्वामी समंदास जी वर्तमान के सतगुरु उनकी शरणागत आप बैठे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देश के कोने कोने से सतगुरु महाराज जी के अनुयायी और उनके सेवक भक्तगण गुरु महाराज जी का दीदार करके बड़े ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी की एक वाणी में भी सतगुरु रविदास जी की एक वाणी है, गुरु रविदास जी ने फरमाया है, जो स्वामी समंदास जी महाराज इस जीव को उपदेश कर रहे हैं, इस जीव को उपदेश कर रहे हैं, वो गुरु रविदास जी का वही उपदेश अगर ये प्राणी अपने हृदय के अंदर धारण कर ले तो जिस मकसद से हम गुरु की शरण लेते हैं और सत्संग में आते हैं तो वो मकसद इस जीव का जरूर पूरा होता है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने एक वाणी में फरमाया है, उन्होंने बताया है कि मैं, सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि मैं इस जो संसार के कार्यकलाप है, कर्मकांड है, मैं इनसे बहुत दूर हूं। तो उन्होंने इस वाणी को दर्शाया, इस वाणी में उस मार्ग को दर्शाया है, बताया किस तरीके से। तेरी आस है गुरु, आज भी तेरी आस है और कल भी तेरी आस, आशा तेरे नाम की गुरु छह रुति बारह मास। तो किस तरीके से सदगुरु रविदास जी महाराज ने इस प्राणी को, इस जीव को उपदेश और मार्ग दर्शन किया है, कैसे बताया है। रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाही तामा, ओ रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाई कामा, रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाई कामा, मोहे जम सुनाई कामा, मोहे जम सुनाई कामा, रविदास जपे राम नामा मोहे जम सुनाही कामा, रविदास जपे राम नामा।